नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं 24। रुक कर लेते अभी तक के हम खबरों पर। केंद्र सरकार व राज्य सरकार गांव कस्बों को विकास से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है और बकायदा उसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी गांव में विकास नाम की चिड़िया नजर नहीं आ रही है। जिन लोगों के कंधों पर विकास को मूल स्वरूप देने की जिम्मेदारी होती है, वही लोग इसमें मलाई खा रहे हैं। ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है सारंगढ़ के ग्राम पंचायत रेड़ा से, जहां के ग्रामीण पिछले 4 साल से सरपंच द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, भ्रष्ट सरपंच पर कार्रवाई कब। केंद्र सरकार व राज्य सरकार गांव कस्बों को विकास से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के योजना चला रही है और बकायदा उसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी गांव में विकास नाम की चिड़िया नजर नहीं आ रही है। अब यहां सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं सर, जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार हुए गाँव के बताते थे हमारे देखते हुए। यहाँ मनरेगा में जो लोग काम किए हैं वो लोग आज तक पेमेंट नहीं पाए हैं, जो नहीं किए हैं उसका पेमेंट मिल गया है। उसी प्रकार वो क्या बोलते हैं ओडीएफ का तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को स्वच्छ बनाने की घोषणा की गई है। सरपंच कौन है? श्रीमती बसंती साहू। कौन चलाता है पंचायत को? उसके पति संतोष साहू। ग्राम सभा लिया जाता है? कभी नहीं, मेरे जानकारी में तो यहाँ ग्राम सभा होता ही नहीं। अपने मनमानी कर रहे सर? हम मनमानी। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? अब शिकायत के ऊपर शिकायत की जा रही है भैया, और देखो अब क्या कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई नहीं होगा फिर क्या करेंगे? उच्च कोटि में शिकायत करेंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे या और। जिन लोगों के कंधों पर विकास को मूल स्वरूप देने की जिम्मेदारी होती है, वही लोग इसमें मलाई खाने के लिए चींटी की तरह इंतजार करते रहते हैं, और भला भी करे क्यों नहीं। उन्हें पता जो है कि भ्रष्टाचार कितना भी कर ले उनका बाल भी बांका नहीं होने वाला है। ग्रामीण शिकायत करेंगे, अधिकारी जांच में आएंगे और अपना चढ़ावा लेकर वापस चले जाएंगे। कुछ इसी तरह का ताजा मामला निकलकर सामने आया है सारंगढ़ के ग्राम पंचायत रेड़ा से, जहां के ग्रामीण पिछले 4 वर्षों से सरपंच बसंती साहू द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायतें करते आ रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई भी अधिकारी सरपंच बसंती साहू के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखा दे, और हिम्मत हो भी क्यों नहीं। सरपंच बसंती साहू भाजपा नेत्री जो ठहरी, आपको बता दे जिस सरपंच के खिलाफ ग्रामीण पिछले 4 वर्षों से शिकायत करते आ रहे हैं वो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। सरपंच महिला की राजनीति पकड़ इतनी तगड़ी है कि पिछले 4 वर्षों में उनके खिलाफ दर्जनों शिकायतें हुई, लेकिन कार्रवाई एक भी नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने भी हार नहीं माना और शिकायत का सिलसिला जारी रखा। ग्रामीणों ने इस बार जिला पंचायत सहित कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, जबकि गांव में सिर्फ 30 से 35 शौचालय का ही निर्माण किया गया है, वो भी आधा अधूरा, और शासन से मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को भी सरपंच सचिव ने मिलकर गबन कर लिया है। हम लोग जो है सर ओडीएफ के किए थे, और बोर विधायक मत का बोर खनन के लिए किए थे, और आपका मनरेगा के तहत कार्य हुआ था जिसे मजदूरी नहीं मिला है, और मूलभूत का है और 14 वित्तीय का है, जिसमें अधिकारी आए हैं जो है मौके पे गए हैं और जो जांच किए हैं उसका प्रतिवेदन हमको अभी नहीं दिए हैं, जो कि 2 दिन के बाद देंगे बोल के आश्वासन दिए। इससे पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। क्या मानते हैं इसमें, क्या क्या मिली भगत है इसमें? अभी तो देखिए इनका तो पहले मिली भगत था, अभी तो जिला से आए हैं, देखते हैं इनका भी क्या है, उसके बाद फिर एक्शन लेंगे। जी हम ये 5 पॉइंट पे शिकायत किए थे, एक हो गया मूलभूत का, और एक मनरेगा में जो अनियमित काम किया गया है जो, और दूसरा तीसरा है जो बोर खनन विधायक मत से किया गया होना था लेकिन जो पुराने ही बोर को स्वीकृत कर दिया गया है, और एक हो गया ये द्वितीय श्रेणी का, और एक ODF का, जिसमें ODF का बोले सर कि ODF का कुछ अभी सूची ले लेना, उसके बाद हमारे पास आना फिर कार्रवाई करेंगे, ऐसे बोले। सुनने को मिल रहा है कि
अभी तक तो शौचालय बस कम से कम हमारे मेरे जानकारी में कि गांव वालों को जानकारी में 30 से 35 ही हुआ है, बाकी अपूर्ण है। मेरे घर के सामने में ही 2-3 है जो अभी भी बाहर में ही शौच करने जाते हैं। कार्रवाई नहीं हो रहा है लगातार, आप लोग शिकायत कर रहे हैं, पिछले 4 साल से आप लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या मानते हैं, किसकी मिली भगत है और क्या अधिकारी इनके साथ सांठगांठ है? नहीं, इनका तो सांठगांठ पहले से बहुत है। क्या है, हम लोग 2-3 बार और से शिकायत कर चुके हैं, पिछले बार अभी जस्ट पिछले में ही आए थे तो जो मतलब अधिकारी आए थे वो गाड़ी में ही बैठे थे और उनको सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक जो भी हैं वो गाड़ी से ही पकड़ कर बोले कि यहाँ पास भीड़ है और भगदड़ होगा, इधर उधर होगा, आप यहाँ से अब चले जाओ, बाद में हम कर लेंगे। वैसी मिली भगत से वो पिछले टाइम भग गए थे। कार्रवाई नहीं होता क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम आगे क्या बोलते हैं, आगे ऊपर कलेक्टर साहब या जो भी है हमारे मंत्री महोदय उनके पास शिकायत करेंगे और कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि सरपंच सचिव ने 14वें वित्त व मूलभूत के राशि को भी गबन कर लिया है। साथ ही तत्कालीन विधायक केराबाई मनहर द्वारा गांव में पानी टंकी व बोर खनन के लिए 2 लाख रुपए की स्वीकृति की गई थी, जिसमें सरपंच ने सिर्फ पानी टंकी का निर्माण कराकर बोर खनन के लिए आए पैसा का गबन कर लिया है। वहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि गांव में मनरेगा योजना के तहत कार्य भी कराया गया था, जिसका भुगतान पाने के लिए आज भी ग्रामीण सरपंच के घर का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं जांच में आए एडिशनल सीओ बीबी तिग्गा व सारंगढ़ जनपद पंचायत सीओ ने रेड़ा के पंचायत भवन में शिकायतकर्ताओं व ग्रामीणों का बयान दर्ज कर सरपंच द्वारा कराए गए कार्यों का जांच किया। वहीं एडिशनल सीओ बीबी तिग्गा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहें, अगर सरपंच के खिलाफ की गई शिकायत सही पाया जाता है तो सरपंच के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। के ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर साहब और सीओ मैडम के पास शिकायत किए गए थे। सीओ मैडम ने टीम गठित करके 2 सदस्य मेरा और एपीओ का, हम लोग आए थे, ग्रामवासियों का बयान लिए हैं, 5 बिंदु पर शिकायत है, 5वें बिंदु पर ग्रामवासियों का जो शिकायत में दिए हैं उसी प्रकार का बयान है। चूँकि 14वें वित्त और मूलभूत के राशि से कार्य नहीं कराया वाला शिकायत है तो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड्स देखूंगा कितने इनको मूलभूत में राशि प्राप्त हुआ था और क्या मैं व्यय किए हैं, उस व्यय पे वेरिफिकेशन करवाऊंगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई की। सर जांच के लिए आए थे, क्या लगा, क्या कुछ अंदाजा लगा सर, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पर, कुछ अंदाजा? प्रारंभ गए थे सर, जहाँ शिकायत हुई मौके पर गए थे, तो मौके पर क्या मिला आपको सर? मौका मतलब सिर्फ बयान लिया हूँ और ये सेकंड क्लास रोड देखने आया हूँ। सेकंड क्लास रोड का तो जब तक MB बुक नहीं निकालूंगा, एस्टीमेट नहीं निकालूंगा, तब तक इसको कहना उचित नहीं हो पाएगा। विधायक मत से बोर खनन तो दिख रहा है, सिर्फ बोर खनन नहीं हुआ है, सिर्फ टंकी निर्माण हुआ है, गाँव वासियों के सामने ही दिख रहा है। और सरपंच के कहना है कि दूसरे का बोर खनन किया था, सक्सेस नहीं हुआ है, वो तो अपन किस वर्ष में कहाँ खनन किया है किस मत से वो देख लेंगे अपन, क्योंकि बोर खनन तो हुआ ही नहीं है टंकी के पास में, वो पहले के बोर के चला रहे हैं। बयान की बात करें तो क्या पॉजिटिव निकल गया सर बयान जो? हाँ बिल्कुल, हाँ शिकायत के पक्ष में ही बयान आया। कार्रवाई की जाए सर अगर वास्तव मिलता है? नहीं, कार्रवाई के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मेरे उच्च अधिकारी अधिकृत है, मैं उनको प्रतिवेदन सौंप दूंगा, जो कार्रवाई करना होगा वहाँ से। देखा गया यहाँ पर लगातार कई बार शिकायत की गई है, वास्तव में गलत पाया भी गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता, उससे निराश सर ग्रामीण? नहीं, आपका कहना सही था, आप ग्वालिंडी के बारे में जानकारी मुझसे ले रहे थे, मैं ग्वालिंडी गया नहीं था, उल्खर गया था, उल्खर के बारे में पता कर लीजिएगा। और यहाँ भी मैं देखो गारंटी या किसी का आश्वासन नहीं दूंगा, जो तथ्यात्मक जानकारी मेरा बनेगा मैं उच्च अधिकारियों को दूंगा। सर एक और चीज है सर, लगातार सारंगढ़ ब्लॉक के जनपद कार्यालय में जो पंचायतें आती हैं उनकी शिकायतें होती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाता, उससे निराश है सर कहीं ना कहीं, ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्या कारण है? देखिए सबके बारे में मैं क्या जांच की क्या प्रस्तुत की नहीं बोल पाऊंगा, मेरे बारे में पहले मैं उलघर का उदाहरण देख रहा हूँ, उधर देख लीजिएगा, प्रतिवेदन मैंने सौंप दिया है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई हो गई है, सरपंच धारा 40 में निकल गया है। नहीं, वो भी मैं नहीं बोल पाऊंगी, उच्च अधिकारी के ऊपर लगने वाला है सर आचार संहिता, फिर आचार संहिता अगर लग जाए तो उसके बाद क्या? मैं तो मेरी रिकवरी हो पाएगा अगर गलत पाया जाए? हाँ रिकवरी, देखो आचार संहिता क्या 10 साल बाद भी रिकवरी होता है, हमारे पास रिकवरी की जो सूची है पूर्व पंचायत पदाधिकारियों का, वो मर भी गए तो उनके वारिसान से वसूली कर रहे हैं, इतना चलता है शासकीय राशि को। फिलहाल आप देखना है कि क्या सच में सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होती है या एक बार फिर ग्रामीण अधिकारियों के झूठे आश्वासन से ठगे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।
ये है SCN 24 आवाज बदलती।